अभी मैं मुर्शी में हूँ। यह अमरावती ज़िले की एक तहसील है और ये जो आप देख रहे हैं ये धर्माधिकारी परिवार की हवेली है। बहुत ही सुंदर हवेली है, आइए इस हवेली को देखते हैं। नमस्कार, मनीष सुरेश धर्माधिकारी। वैसे हम प्रॉपर मूलताई के हैं, ताप्ती माता का आशीर्वाद से हम वहाँ पे बड़े छत्रपति महाराज जी के आशीर्वाद से ताप्ती माता के पास संयोग से हमको सेवा करने का मौका मिला। हमारे एक सातवीं आठवीं पीढ़ी के पहले उस समय हम ताप्ती से मुलताई से हमारे परदादा श्रीमंत नाना साहब धर्माधिकारी ये बनारस से लॉ ग्रेजुएट होने के बाद मुर्शी तहसील तब की यानी 1894 एड हुई थी एट द ब्रिटिश रिजिम। तब हमारे परदादा जी मुर्शी आए और उस समय वो यहाँ पे आने के बाद उनका रहने का ठिकाना अलग जगह थी। फिर वो जा इस ये हवेली ये जो पुरानी हमारी घर है ये इनको पसंद आ गया। यहाँ पे इनके पुराने मालिक जो थे ये बरूड के एडवोकेट चांदे वकील, उनकी ये विरासत थी और करीबन ये आधी हवेली उनके पास थी और आधी हवेली हमारे सामने वाले जगह में थी। तो इन्होंने ये उनसे परचेस की और माता लक्ष्मी जी का संयोग यहीं से प्राप्त हो, इसी से ही लिखा पढ़ी और जुडिशियरी का सब काम इसमें होता था। जबकि समय में टाइपराइटर और कंप्यूटर्स नहीं थे, उस समय मैन्युअली वकील साहब के छः छः सात सात अटर्नी रहती थी और इसको कचहरी बोलते थे। ये सामने वाली जो रूम है जिसको हम आज ऑफिस बोलते हैं इसको कचहरी बोलते हैं, आज भी कचहरी के नाम से ये प्रसिद्ध है। कोई घर की बुजुर्ग महिलाएं सभी लोग बात करते हैं तो घर के सदस्य कहाँ है, तो कचहरी में। तो यहाँ छोटे बच्चों को आवाज करना, लेबर्स का आना जाना ये प्रतिबंधित था और यहाँ पे डिसिप्लिन और पीसफुल एटमॉस्फेयर रखना। मटेरियल है जो जीवित है, जो मिट्टी है
उसने एब्सॉर्ब करके रखा है। आज की तारीख में अगर वो प्रोफेशन नहीं भी है तो भी ये वास्तु हमको सिखाती है, इसलिए ये जीवित है। और ये जब मैंने मेरी धरोहर संभाली तो मेरे पिताजी ने ये चौकड़ी, इसको कहा जाता है, ये चौकड़ी में रोज की दैनंदिनी रहती है, रोज का खर्चा लेखा जोखा सब रहता है। ये धरोहर आज भी बरकरार है, हम उससे प्रसन्न हैं और लाभान्वित भी है। ये बेंच हमारे दादाजी के समय का था, इसको करीबन 100 साल हो गए, 1910 की परचेसिंग है। अच्छा, और बिल्डअप कब का है ये मुझे भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, SN धर्माधिकारी श्रीनिवास नारायण धर्माधिकारी एडवोकेट मोर्शी, इनकी जमाने के ये नेम प्लेट है, वो घर में है नहीं है इस प्रकार से वो उस समय। अब ये पांचवी छठवी पीढ़ी यहाँ पे भगवान महादेव की आशीर्वाद से संपन्न है। तो वकील साहब चांदे साहब के यहाँ से ये विरासत हमें प्राप्त हुई, लगभग आज की तारीख में 200 साल या 250 साल का ये अनुमान लगाया जा सकता है। ये भंडार गृह है, पुराना कमरा है, जो कि सभी सुविधाजनक और उनकी अन्नपूर्णा का सम्मान रखते हुए उसका भंडारण का विधि यहाँ पे सिद्ध होता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियों में अनाज साल भर का रखा जाता है, और जो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारे पूर्वजों ने ये विरासत संभाली, जैसे जैसे समय उचित होता गया तो अधिकांश सभी लोगों ने इस धरोहर को संभालने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया। जब बडनेरा रेलवे स्टेशन आया, स्टील लोहा की आवाज आई, मार्केट में आई, तो ये लकड़ी का पुरानी सब साबा हमारे कुलदेव हैं और दत्त प्रभु अवतारित इनके अनुकंपा से हमारे गुरु स्टील का चैनल्स जब मार्केट में अवेलेबल हुए तब इसको वो स्टील भी लगाया गया। आप देख सकेंगे ये रेल पोल पूरी 20 फीट 30 फीट के जॉइंटलेस रेल पोल से इसको सेकेंडरी ऑप्शन देके लोड बेरिंग का इसमें इस्तेमाल किया गया, जो कि आज 150 साल के ऊपर इनको लग के हो चुका है। और अधिकतर मेरे मित्र, हमारे पिताजी के मित्र जो कि सिविल इंजीनियरिंग से तालुकात रखते हैं, उन्होंने बताया कि एक शुद्ध भरवी इसमें कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं आई है, और इसकी टेंशन और लोड बेरिंग कैपेसिटी आज भी मेंटेन है। एक उनका अध्ययन, उनकी काम में रुचि उस समय के कारीगर की, ये सराहनीय है, ये काबिले तारीफ है। और वो धरोहर हम आज भी संभाले हैं और इसको रिनोवेट करने का भी समय आ चुका है। रिनोवेशन करना, मैं अधिकतर मेरे पिताजी को ये पहले कहता था कि ये पूरा चेंज ओवर कर ले, तो हमारे पिताजी कहते थे कि जब तक मैं जीवित हूँ इसका कलर भी चेंज ना करना, इसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो वैल्यू बरकरार रखिए, और आप अच्छे बंगलोज, अच्छी कंस्ट्रक्शंस
अच्छे जो चाहिए वेस्टर्न कल्चर के वो आप अलग जगह आप आपके पसंद की जगह बनाइए, लेकिन ये मेरे पूर्वजों का घर वो वैसे ही बरकरार रहे और इसको देखने के लिए एक इंडियन हेरिटेज और इंडियन हिंदुस्तानी कंस्ट्रक्शन का जो महत्व है इसमें सीजन इतना बढ़िया रहता है कि गर्मी के दिनों में ठंडा ही रहती है और ठंडी के मौसम में एक गर्माहट महसूस होती है और करीबन इसकी दिवाली जो है वो फ्रंट की तो 2.5 फीट की है, अंदर की 1.5 फीट 2 फीट और पुरानी जो चूना और बिल का एक मिश्रण बना जाता था और वो सीमेंट से भी कारीगर था। आज भी उसकी गए साल में मैंने जब प्लास्टरिंग खुली तो नया सीमेंट खोलने में हल्का ही है, लेकिन ये प्लास्टर तोड़ते समय सब कारीगर की दम निकल गई। मेरे को लोग हंसते थे कि भाई ये पुरानी चीज आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन रेनी सीजन में क्रैक्स जो होती है अधिकतर ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है इसको डिमोलिश करने का एक ही कारण रहता है, जो भी भाग्यवान लोग ऑल ओवर इंडिया में है उनकी एक ही प्रॉब्लम रहती है, पानी का रिसाव जो है नेचुरल बारिश उससे इसका बचाव होना चाहिए, क्रैक्स जोन में पानी नहीं जाने को होना और उसकी प्रोटेक्शन अगर हो गई तो ये धरोहर सालों साल टिकेगी। मैं पुराने मठा मंदिरों में मठाधीशों से जब बात करता हूँ तो उन्होंने मेरे को आग्रहपूर्वक बताया मिट्टी मरती नहीं, मिट्टी का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो कभी खराब नहीं होता है, लोहा सीमेंट ये इसकी आयु है लेकिन मिट्टी की आयु बरकरार रहती है, सो इसलिए उसका सम्मान रखते हुए अगर कि वो धरोहर संपन्नता मेंटेन करना है तो पानी का रिसाव एक सबसे उसका चैलेंज है, अगर के वो कर लिया तो 90% वो धरोहर टिकी जाती है। दूसरा है सीलन, सीलन भी वही प्रकार से आती है, ग्राउंड से आती है तो ग्राउंड का जो मलवा है मटेरियल है, अब हमारे यहाँ पे भी सीलन बहुत आती है, सीलन आने से वो ऊपर में कोई ओवरहेड टैंक नहीं है फिर भी वो सीलन आती है, वो सीलन का हमने जरिया ढूंढा, हमारी जो पुरानी फर्श है वो फर्श खोली जाए 3 फीट तक जो मट्टी है उनका स्पंजिंग का जो वर्क है वो मट्टी का स्पंजिंग वर्क हो चुका है, उसमें नई मट्टी नई मुरुम और मटेरियल अर्दन वो वर्क होना चाहिए, कंक्रीट का नीचे से वर्क होना चाहिए क्योंकि इसके नीचे 9 फीट तक डेप्थ में पत्थर की प्लिंथ है और उसके जो परत है वो परते 9 परते हैं, 1.5 फीट का एक परत होती है तो इसकी मजबूतता इतनी जबरदस्त है कि कोई कॉलम इसके सामने नहीं टिक सकता, इसलिए वो जो परते हैं फाड़ी की पत्थर की उसकी जो गैप्स है उसमें जो चूना और दूसरा मटेरियल पुराने समय का जो आया था उसमें ये जो चूहा और वन जो जमीन के अंदर जो छोटे मोटे जीव जंतु रहते हैं उनसे वो कुछ उसकी परतें डिस्टर्ब हो सकती है, तो वो नई अगर उसमें सीमेंट का कोटिंग अगर डाला जाए तो और उसमें मजबूती की संभावनाएं बढ़ सकती है और उसके बावजूद उसमें नई मट्टी डाली नई फर्श लगाई तो वो अधिकतर आयु देने के लिए विरासत और से बाल रहेंगे और मेरा प्रयास है कि ये हमारी धरोहर को मैं अभी श्री गणेशायन कर लिया हूँ, अब जैसे जैसे समय आते जाएगा उस हिसाब से हम उसको रिनोवेट करने का काम करेंगे। धर्माधिकारी घर की सबसे बड़ी बहू और ये घर जो है ये घर हम लोग हमारी तरफ से जैसा मेंटेन कर रहे हैं वैसा भी आगे मेंटेन करेंगे, नया जो अभी रिनोवेशन करना है उस बारे में चालू है लेकिन पुराना भी रखना है कुछ एंटीक
घर में जो कोई एंटिक पीस है वो भी रखना है और फर्नीचर, और नया भी कुछ बनाना है। और ये जो श्रीनिवास जी धर्माधिकारी इनके दादाजी है, तब से मैं ये हवेली देख रहा हूँ, ये जो उन पुरजों ने वो जो कोर के जो बनाई है, ये देखने में इतनी क्वालिटी दिखती है उसकी कि भाई ये कितनी पुरानी होगी। मैं लेकिन मैं जब भी ये पूरे घर में घूमता तो एक एक मंजिला मंजे देखने लायक है। ये कैसा बनाया होगा भाई, चार मंजिले ये मकान, इसमें वो 100 साल से 200 साल से लोखंड के पोल कैसे फंसाए है, लक्कड़ कैसे फंसाए, यो इसकी जो बनावट है ये अजब गजब। तो ऐसे हमारे दादाजी वगैरह बोलते थे कि ये मेरे से भी पहले की है। इस हवेली में जो इसकी बनावट है तो बहुत ही शानदार, और उसमें जो लकड़े का जो शिल्प है वो बहुत ही जोरदार कारागिर से बना हुआ है, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो वो पुराने जो प्लास्टर है उसका वो चूने का है, जो घानी का चूना बनाते थे उससे, वो तो वो इतना मजबूत है आज भी, उसका कहीं पपड़ी नहीं निकल गई है। इसमें वातावरण भी ठीक रहता है, जब भी धूपकाले में आओ तो एकदम ठंडा लगेगा, तो वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा है।